का गड़बड़ हो लिसनिंग मैंने कहा था मेरे साथ लगा हम अच्छा करने के चक्कर में सब कुछ कर देते प्लीज मेरे साथ रेडी आपने तो मुझे रास्ता बताया रेडी सर द्वारपाल और विदूषक और झंडा पकड़ने वाले का भी गाना मुझे गा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा रामायण वर्ल्ड ऑफ थिएटर के भीतर है और दिल्ली से पहले होगा सेवा नगर इलाका है राष्ट्रपति भवन से दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर होगा और यूनिसेफ के दफ्तर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर होगा और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है उन्हीं सड़कों पर हम बच्चे बन के टायर चलाते हैं और वो सारी जिंदगी जो विरासत में हमारे देश के बच्चों को मिलती है खासतौर पर तब जब साधन ना हो घर में जगह ना हो तो बाहर सोना पड़ता है ना बारिश आ जाए तो छतरी खोलनी पड़ती है छतरी फटी हो तो पानी में नहाना पड़ता है बचपन तो मेरा बहुत ही ऐसा बीता कि हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना कि जो बीत गई सो लेकिन जो बीत गई सो बात गई इसके अलावा भी एक बात है कि वॉल्टर पीटर एमसीडी स्कूल में जब मास्टर पूछता था कि हाँ नाम है हाँ 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 तो वॉल्टर पीटर नाम का पूरे स्कूल में कोई नहीं होता था सो बड़ा अजीब लगता था ये नाम है और ये स्कूल है और चाली पिटाई है वगैरह वगैरह उस सारे बचपन को पार करता करता इतनी मुश्किलों के साथ आगे बढ़ा पिताजी की डेथ हो गई थी जब मैं 4 साल का था घर में बहुत सारे भाई बहन थे वो बड़ा घर था घर के भीतर कम जगह थी बाहर ज़्यादा जगह थी पेड़ पर चढ़कर नाटक बनाने का बड़ा शौक था बड़े भाई थिएटर करते थे तो थिएटर देखने का बहुत शौक था लेकिन बड़ा अजीब सा था रामलीला देखने का बड़ा जगह नहीं मिलती थी जब ईंट लगा कर जाओ ईंट लगाने ईंट समझते हैं ब्रिक ईंट लगाने का मतलब अपनी जगह घेर ले कि ये मेरी जगह यहाँ से मैं बैठूँ तो सुबह सुबह जाके वो ब्रिक लगा और शाम तक वो ब्रिक हट जाती तो फिर जगह नहीं मिलती थी फिर भी भीड़ में से देखता था और एक ऐसा दिन आया जब वो रामलीला मेरी वजह से ही सर्वाइव हुई और कई साल तक वो रामलीला मेरी ही वजह से चली जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ बचपन से रामलीला में चला गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपने नाम क्या कुछ कोई बताए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर साल 15 लोगों को कुछ इतना सिलेक्शन होता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पॉन्सरशिप भी होती है थिएटर इन एजुकेशन एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है बहुत बढ़िया सा विचार है जो 1989 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों के साथ थिएटर तो बहुत सारा हो रहा था जिसमें स्क्रिप्ट होती है नाटक होता है एक स्टेज होता है आपको डायलॉग रखने पड़ते हैं और आपको डायलॉग बोलने पड़ते हैं लेकिन थिएटर इन एजुकेशन ने चाइल्ड सेंट्रिक होने की बात की ऐसी बात की कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है बच्चा सोच क्या रहा है बच्चा क्या क्या एक्सप्रेस कर सकता है और कैसे ड्रामा को शिक्षा के साथ में जोड़ा जा सकता है
ये एकदम नया विचार था। और बैरी जॉन का नाम आप सबने सुना होगा या नहीं भी सुना हो तो आप जरूर भूलिएगा। बैरी जॉन ने इस आइडिया को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये टोटली वेस्ट का आइडिया था। तो 1989 में ये कंपनी शुरू हुई, लेकिन 93 तक तो मैं जैसा बच्चा इस कंपनी का मेंबर बन गया था, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे थे जो बच्चों के साथ थिएटर को नए रूप में एक्सपेरिमेंट करके काम कर रहे। अक्सर लोग ड्रामा को सिर्फ फर्स्ट स्टेज समझते हैं फिल्मों में जाने के, और सब लोग ज्यादातर ड्रामा में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देने का मौका मिला। लेकिन थिएटर इन एजुकेशन जब 1989 में शुरू हुआ तो मैं उसके पहले बैच का स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट की नीड इस कंपनी को इतनी हो गई आगे जाकर कि मुझे उस कंपनी में जॉब मिला। और जब मुझे उस कंपनी में 93 में जॉब मिला तो मैंने ऑलमोस्ट सभी थिएटर जो बच्चों के लिए सोचते हैं या बच्चों के साथ काम करते हैं उन सब के साथ काम किया। वो मोहन अगाशी हो, बैरी जॉन हो, बी बी कारंत हो, अब्दुल लतीफ खटाना हो, बहुत सारे पूरे देश में और इंटरनेशनली जो लोग चिल्ड्रन थिएटर के ऊपर या थिएटर एजुकेशन में काम कर रहे हैं उन सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमने टाई को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना शुरू, क्योंकि हम केवल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे काम नहीं करना था। तो हमें पता लगा कि पेरेंट्स के साथ काम करना, बिकॉज सब पेरेंट्स को क्या चाहिए, अपना बच्चा स्टेज पर बोलता हुआ दिखना चाहिए। बच्चा बहुत अच्छे से रोल करके आ जाए तो उनको लगता है बहुत बढ़िया, ये बेस्ट लीडर। लेकिन एक दुनिया होती है जो बच्चों के भीतर जो वो शेयर नहीं कर पाते। जब क्लासरूम में पीछे बैठना होता है और क्लासरूम में जब मैडम घुसती है तो मैडम का लुक पहला किस पे होता, दूसरा किस पे होता, बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में सारी बातों को बता शेयर किया गया है कि जो बोलता नहीं है वो कैसा है, जो ज्यादा बोलता है वो कैसा है, जो मीडियोकर होता है वो कैसा है। और आजकल के हमारे सारे स्कूलों के टीचर्स को भी ये नई सी भाषा, ये तो लेजी है, ये तो ऐसा है, वो शाइन है, वो फलाना है, ये निकाना है, ये है क्या, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, और इसको इम्प्रूव करना है इसको भी कोई एक्सप्लेन नहीं करता। सो थिएटर इन एजुकेशन एक प्रोसेस शुरू, और ये प्रोसेस था कि हम सेल्फ के साथ इनर के साथ काम करें, आउटर के साथ काम करें, हम फैमिली जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर करें। आखिरकार अगर हम सब अपनी फैमिलीज के बारे में शेयर करना शुरू करें तो शाम तक हमारे पास इतने सारे किस्से, इतनी सारी कहानी, इतने सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, इतने सारे बेटा को अपनी समझ में आएंगे कि अरे वाह तुम्हारी फैमिली में ये होता है, इसकी फैमिली में ये होता है। फैमिली भी तो एक लर्निंग हब, पहला स्कूल। और उसके बाद हमने एजुकेशन जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर किया कि एजुकेशन है क्या, ये 40 बच्चों की क्लास ही एजुकेशन थोड़ी ना, एजुकेशन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एजुकेशन तो हमारे प्रिमिटिव टाइम से शुरू होता, जब हम झींगा ला रहा, पोपो खाता रहा, पोपो जाना, पोपो करते थे, तब से, जब कपड़े नहीं होते थे, तब से शिक्षा शुरू होती। क्योंकि जब पहला आदि मानव ने जाके शिकार किया होगा तो उसने सोचा होगा ना कि मैं हथियार कैसे बनाऊंगा, इमेजिनेशन का शुरुआत हुई होगी, एक्शन हुआ होगा, और जब वो मार कर वापस आया होगा तो उसने अपनी पत्नी को बताया होगा, तो स्टोरी टेलिंग शुरू हुई होगी। तो स्कूल तो बहुत बहुत खुली सी चीज है ना, ये केवल एक किताबों में नहीं होती। और पहले अगर हम अपने कल्चर को भी एक्सप्लोर करें तो सारे सब्जेक्ट जो थे वो एक सब्जेक्ट, चाहे वो आप मदरसा बोले, चाहे आप वो आश्रम बोले, सब में इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट थे और लाइफ की लर्निंग थी। आपको तैयार होके जिंदगी को जीना, आपको भीख मांगना है, आपको भूखा रहना है, तो सबके पीछे एक पर्पस ऑब्जेक्टिव था। अभी हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें जो हर साल और मोटी होती जा रही है, उनमें लाइफ को लिखा गया। तो पूरी लाइफ जो पूरी दुनिया में है जिससे हम सीख सकते हैं उनको किताबों में लाकर भर दिया, इन किताबों का रट्टा मार मार के हम डिग्रियां लेते हैं। और थिएटर इन एजुकेशन क्या कहता है कि किताब को हम जिंदा कर सकते, अगर हमने किताब को जिंदा कर दी या हम और आप मिलकर किताब नहीं बना सकते। तो मेरी शुरुआत जिंदगी की बोलने की टीआई में जाकर, उससे पहले मेरे को लड़कियों से भी डर लगता क्योंकि लड़कों के स्कूल में पढ़ता था तो समझ में नहीं आता था कि लड़कियों से बात कैसे करें, हमें ये कैसी होती हैं, क्योंकि सब तो लड़कों के बीच में ही थे हम, और लड़के एक तरफ और लड़कियों का स्कूल दूसरी तरफ, बीच में दीवार, तो आप समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं। तो धीरे से टीआई में जाके जब पहली बार इंटीग्रेशन हुआ, इस तरह की वर्कशॉप हुई, तो पहले तो मैं खुद खुला, मुझे समझ में आया कि
कि लड़कियां भी इंसान होती है और लड़के भी इंसान होते हैं और दोनों की इमेजिनेशन एक ही जैसी होती है, फर्क इतना कि दीवार बीच में हो और अगर वो थिएटर इंस्पिरेशन में शामिल हो जाए तो दीवार टूट जाए और साथ मिलकर काम किया जाए। इंटीग्रेशन जो शब्द है ना, ये जैसा हम कहते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री है ना, लेकिन इंटीग्रेशन क्लासरूम में पहली क्लास में एडमिशन हो K1 से लेकर 12 तक तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही बच्चे, एक ही खाना, ऐसे बढ़ता है। TI में जाके हमने बहुत सारे पार्टिसिपेटरी प्ले जिसमें दर्शक उठ के भी पार्टिसिपेट करता है। हमने टेक्स्ट बुक्स को जिंदा करने की कोशिश की और इतने मजेदार प्लेस की जिसके अंदर हम स्कूल को जिंदा करने की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स को जिंदा करने की बात। जब मैंने TI कंपनी में से मैं निकला, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आर्टिस्ट का, अगर आपने से किसी को बताओ, आर्टिस्ट को जॉब नहीं मिलता, चार साल में वो रिटायर नहीं होता, आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करे तो उसका जॉब खत्म हो जाता है। तो 8 साल 11 साल जब मैंने वहाँ पे काम किया और मैं बाहर आया तो मैं ये सोच रहा था कि अब क्या, दो ही ऑप्शन है, बॉम्बे चले जाओ रोल की लाइन में लग जाओ या फिर किसी स्कूल में ड्रामा टीचर। स्कूलों को तो केवल ड्रामा टीचर है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई एजुकेशन को भी जिंदा करे या कोई टीचर और स्टूडेंट की रैपो पे काम करे, कोई बच्चे के मन की तरह से सोचना। सो हमने क्या किया, प्रोसेस को पैदा किया और इस प्रोसेस के अंदर सेल्फ, फैमिली, एजुकेशन, सोसाइटी, वर्ल्ड जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर। और फिर जब मैं बाहर आया तो मेरे आगे ये सवाल था कि मैं क्या। सो मैं मोबाइल क्रेचिस क्राई चाइल्ड राइट्स इन यू ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके ये वर्कशॉप्स को शेयर करने का, और उन्होंने देखा कि वाओ बच्चे बोल रहे, बच्चे अपने हक की बात कर रहे, बच्चे के भीतर से चेंज आ रहा है, क्योंकि ये टूल है, ये केवल भाषण नहीं, इसमें आप भाषण देते हो। जैसे अगर मैं सपोज आपको बोलूँ, आप पूछिए ना, आपने रास्ता बताया कि मुझे अकबर को बताओ, अकबर इमेज में अकबर अकबर कैसे जल्दी से, मैं डेमो भी करूँगा साथ में तो मजा आएगा, अकबर दिखाना, अकबर खड़ा, अकबर रेडी फ्रीज। अब जिंदगी भर दो ही तरह से होगा, इनको बोलूंगा तो ये भी मना देंगे, हो सकता है ये गुलाब का फूल पकड़ ले, इन्होंने तलवार पकड़ ली। अकबर बिना तलवार के भी रहता होगा, अकबर सोता भी होगा, अकबर अकबर रोता भी होगा, अकबर गुस्सा भी होता होगा, है ना। क्या है कि हमने हर चीज के स्टीरियोटाइप इमेज बनाया, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। क्राई में जाने के बाद मुझे एक जो बहुत बड़ा मौका मिला वो ये मौका मिला कि मैं जेल के भीतर, जेल शब्द गलत है, प्रोटेक्शन हाउस के अंदर बच्चों के पास जा रहा है और मैं उन बच्चों से मिला जिनको प्रोटेक्शन के नाम पर एक जगह पर रखा जाए। ये प्रोटेक्शन हाउस में मैं MP में गया और दिल्ली के सो कॉल्ड VIP प्रोटेक्शन हाउस में गया। आपको जान के बड़ा दुख होगा, जिन बच्चों को लोग फेंक देते हैं, जो कचरे में मिलते हैं, या जो बच्चे गुम हो जाते हैं, या जो बच्चे डिसेबल होते हैं, उनके माँ बाप उन्हें पैदा होते ही छोड़ देते हैं, वो बच्चे जाते कहाँ, कभी सोचा। भारत सरकार और हमारा संविधान उन बच्चों को प्रोटेक्ट करता है और वो प्रोटेक्ट करता है थ्रू पुलिस। कमाल की बात है, पुलिस और बच्चा, आप रिश्ता देखिए। और पुलिस के पास ही क्या ये सारी जिम्मेदारी, पुलिस के पास कितनी सारी जिम्मेदारी ना, चोर को भी पकड़े, चक्की को भी पकड़े, इसकी रक्षा भी करे, उसकी रक्षा भी करे और उस बच्चे को भी देखे जो बोलना भी, इसके लिए बोलना भी मुझे। तो प्रोटेक्शन होम्स में मुझे जाने का मौका मिला एंड आई एम सॉरी कि मैं एक बड़े VVIP प्रोटेक्शन होम में गया था जहाँ की हालत आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो मैं भी रात का खाना नहीं खा पा। मैंने 12 साल के प्रेगनेंट बच्चे, मैंने ऐसी बच्चियां देखी जो मुझे बोल रही थी अंकल ने मेरा रेप कैसे किया, और उनको केवल सुनना ही नहीं, उनके साथ थिएटर, उनके साथ ड्राइंग, उनके साथ उनके सपनों पे ड्राइंग करना, उनके साथ खेलना, उनको एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाके मस्ती देना, मजा देना, तो उनको एक उम्मीद अपने अंदर दिखनी शुरू। और ऐसे बच्चे मैं तो एक या दो होम में गया, मुझे मालूम है पूरे देश में ये होम है, यहाँ पर भी होंगे। और मुझे तो पिछले दिनों एक इनविटेशन लेटर मिला जिसमें एक ऐसा शब्द लिखा था जिसको सुनकर मैं सहम गया। उसमें लिखा था अगर आपके बच्चे के पास कुछ भी वेस्ट सामान है, बैग है, तो आप इन्हें दे दीजिए, क्योंकि हम ये सामान
ऐसे ऐसा शब्द है वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है, लेकिन चरण क्या बोलते होंगे, एनीबडी गेस? आयुष, रिमांड। तो बच्चों की घरों को बोला गया है रिमांड हो, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है उस सोच पर जो बच्चों को ना साथ में होती है ना बच्चों के साथ खेलती है, बल्कि उनके लिए एक नाम रख देती है, रिमांड हो। सो रिमांड होम शब्द ही अपने आप में इतना टेरर वाला भरा है कि इसमें से थिएटर और एजुकेशन का क्या हो। मैं बहुत सारे स्कूलों में काम करता हूँ और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं कश्मीर, एमपी, यूपी, राजस्थान, लगभग देश के आधे हिस्से में मैं काम करता हूँ, पर मैं अहमदाबाद में रहता और अहमदाबाद में मैं केवल 2 महीने के लिए आया। पर अहमदाबाद ने मुझे 2-3 चीजें सिखा। एक तो ये बता दिया कि पीटर इस काम से भी पैसा बन सकता और दूसरा मुझे श्रुति ने आप सबके सामने लाके खड़ा, ये बहुत बड़ी बात। अब मानिए मेरे दोस्त बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में आते हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको सब जानते हैं, पर वाटर पीटर को शायद हम सब नहीं जानते, क्योंकि वाटर पीटर सुबह बैग उठाता है कश्मीर चला जाता है, एमपी चला जाता है, राजस्थान चला जाता है, गुजरात चला, गुजरात के धर्मपुरा में ट्राइबल बैंक में सब जगहों पर मैं काम कर रहा हूँ। और बड़े अजीब ये होती कि अपनी आइडेंटिटी 45 साल की होने के बाद भी नहीं मिलती, और वहाँ एक छक्का लगाता और सीएम भी आके 1 करोड़ का चेक देता। तो खैर इससे इससे हमें नाराज नहीं हो, इससे हमें रुकना नहीं, ये सवाल जरूर है, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द केतली, टू द श्रुति, दिस गर्ल मेड मी लाइफ। इसने जिस दिन मेरी स्टोरी लिखी, मेरी पत्नी सबसे पहले रो रही थी कि देखो अब कितने लोग जानते हैं। और बच्चे से गुजरात आया था, यहाँ मैं थिएटर नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट करीब 10,000 बच्चों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन वो सभी सो कॉल्ड स्कूलों में मैंने काम किया, सभी ब्रांडिंग स्कूलों में मैंने काम किया, और मैंने बड़ा अजीब सा काम किया, मैंने हर स्कूल में जाके उसके ट्रस्टी, उसके मालिक को बोला आप एक्टिंग करोगे, बोला मेरे से क्यों एक्टिंग करा दो, एनुअल डे हमारे स्कूल का, आप मुझे क्यों बोलते हो, आप नहीं करोगे तो मैं जा, बोला अच्छा करूँगा, क्या करूँगा, मैंने कहा सर एक रोल कर, रोल क्यों, रोल मुझसे क्यों रोल करवा दो, मैंने कहा सर आप ओके तो करो, बोला ओके सर प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल को बताया ट्रस्टी कर रहे, तो बोला हम भी करें, फिर स्टाफ रूम को बताया कि हम भी करेंगे, बस वालों को बताया तो हम भी करेंगे, पूरे स्कूलों को लेकर मैंने एक अजीब तरह का शो किया, और एक नहीं 18 शोज किया अलग अलग स्कूलों में, जिसमें पेरेंट, टीचर, ट्रस्टी, मालिक, बच्चा सब ऑन्स थे, और ये पूरा प्ले की कोई स्क्रिप्ट नहीं, सोचिए आप हम सबको प्ले कर रहा हूं मैं करवा लू, कोई स्क्रिप्ट नहीं, और प्ले जिंदा, बैरकपुर से लाल किला, भारत की शान गुजरात से, अभी जो हम गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात की अस्मिता की बात कर रहे थे, जिस कुत्ते की हम बात कर रहे थे जिसके मुंह में जो भौंकता था, और अहमद शाह ने जब पारसी ने आकर यहाँ पर दूध में चीनी मिलाई और कैसे इंटीग्रेशन शुरू हुआ, आई फील मुझे अहमदाबाद आके अपनी पहचान मिली, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और पूरे देश में काम करता हूँ, और ये शायद मैं दिल्ली में रहता तो नहीं कर पाता, क्योंकि जिस दिन मैं और सीता, सीता मेरी पत्नी का नाम है, मिले और हमने सोचा कि हम शादी करेंगे, तो हमारे लिए बड़े सारे फरमान सो कॉल्ड सोशल वर्करों से आ गए, जो समाज के ठेकेदार होते हैं, आप समझते हैं ये शादी तो नहीं होगी, ये शादी कैसे हो सकती है वाल्टर पीटर और सीता फिर भी हमने शादी की और दोनों तरह से की, मैंने फेरे भी लगा लिए और चर्च में भी शादी कर ली, और सुकून से आके अहमदाबाद में है। और मुश्किल ये है कि मेरे दोस्त फोन करते हैं कि तू अहमदाबाद में ठीक है, अजीब बात, कैसी स्टीरियोटाइप इमेज है सोसाइटी की, कैसे सोचते हैं हम तो बहुत खुश हैं, हमारे अपार्टमेंट में तो सभी लोग रहते हैं और ज्यादातर ऐसे ही रहते अहमदाबाद में रहते, तो पूरे देश में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ, कश्मीरी बच्चे के साथ बैठता हूँ, कश्मीरी यूथ के साथ लड़ाई होती है, भारत तेरा या भारत मेरा इस तरह की, और राजस्थान में, अजमेर में, अलग अलग, चेन्नई में तमिल बच्चों के साथ, जिन बच्चों को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती फिर भी मेरा सेशन जिब्रिश में हो जाता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा देखकर, दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, दिखाऊं
दिखाता हूँ और आयुष ने मुझे कहा था कि एक पोयम भी सुना देना, इसलिए एक पोयम भी सुना देता हूँ। पीटीएम आप सब ने सुना है? पीटीएम अटेंड किया कर? स्कूल में पीटीएम कभी अटेंड किया? स्कूल का पीटीएम याद है? अच्छा, अब तो बड़े हो गए ना सब। क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, स्कूल में काम करता हूँ, उन बच्चों के साथ भी काम करता हूँ जो स्कूल नहीं जाते, और उन बच्चों के भी साथ काम करता हूँ जो स्कूल जाते। प्रॉब्लम तो दोनों ही बच्चों का, काम दोनों ही बच्चों की जरूरत है, काम दोनों के साथ करना है। क्योंकि एक की मम्मी होमवर्क बहुत करवाती है और दूसरे की मम्मी को पता ही नहीं होमवर्क होता है। दोनों ही बच्चे क्राइसिस है। और तीसरा बच्चा वो है जो प्रोटेक्शन होम में बंद है और जिसका जिसका जिसके साथ रिश्ता निभाना इतना इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए कोई काम नहीं करना। आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि उन बच्चों के साथ तो सबसे ज्यादा काम करना। सो मैं आपने पोएम सुना रहा हूँ, मजा आएगा। आपको सुनाऊ या नहीं? टॉपिक है पीटीएम। पीटीएम आपको मैं बता दू, जिसमें मम्मी पापा जाते हैं बच्चे की रिपोर्ट। सबसे अजीब दिन उस दिन मेरे स्कूल में होता है जिस दिन मेरी मम्मी पापा की मीटिंग टीचर से होती है। ये दिन पेरेंट्स डे कहलाता है, अक्सर महीने के आखिर में आता है। टीचर उस दिन टीचर सच धज कर आती है, पापा मम्मी पापा को अच्छी वाली शर्ट पहनाती है, खुद भी जरा अलग लगे तो बाल ध्यान से बनाती है। इन तीनों के मिलन दिवस पर मेरा शहीदी दिवस है। इन तीनों के मिलन दिवस पर मेरा शहीदी दिवस बनता है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर टीचर मेरी सारी गलतियां गिनाती है। हर बार पापा की नजर मम्मी पे पड़ती है। कि कैसे दबी जुबान में पहली डांट मम्मी को ही पड़ती है। पापा की दबी जुबान में पहली डांट मम्मी को ही पड़ती है और वहीं पर मम्मी बताती है, पापा जी तुमने भी तो बिल्कुल टाइम नहीं दिया। टीचर जब मुस्कुराकर उस दिन मुझे बाय करती है, उसके बाद मम्मी पापा की सारी लाइनें हर बार की तरह निकलती है। दोनों के बीच में टकराहट का मैं जिम्मेदार हूँ। अजीबो गरीब सभी तरह की हिदायतें मिलती हैं। सोमवार को स्कूल फिर से खुलता है। ब्रेक में सबकी कहानी सेम सी लगती है। अगला शो अगले महीने फिर से आखिरी में होगा। इस बुक्स में जो भी कविताएं हैं बहुत सारी हैं, 200 से ज्यादा है, और ये सारे वो अनुभव है जो बच्चों के साथ मिलकर प्रोटेक्शन होम में कश्मीर में एमपी में यूपी में। कश्मीर के बच्चों का बार बार मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि कश्मीर हम सबको प्यारा है। हम बोलते हैं चीर देंगे तब कश्मीर मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जब उन बच्चों के साथ आप मिलते हैं, वहाँ के स्कूलों की हकीकत पता लगती है, तो पता लगता है कि वहाँ के टीचर को और आगे वो बच्चों की पेंट में खुजली वाली नाक डाल देते दिन भर खुजाते इतनी परेशानी। पनिशमेंट के ऊपर एमपी यूपी दिल्ली राजस्थान गुजरात नॉर्थ ईस्ट लगभग 9 स्टेट के बच्चों ने मुझे लेटर लिखे हैं और ये लेटर की संख्या 10,000 के करीब है, जिसमें स्कूल का नाम दिया, टीचर का नाम दिया, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिए। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि टीचर के साथ ही काम करने की बहुत जरूरत है। तो हमने 5-6 प्रोग्राम बनाए। एक तो प्रोग्राम बनाया कि टीचर के साथ कैसे काम किया जाए, हाउ कैन टीचर टीच ड्रामा थ्रू एनी सब्जेक्ट। अगर वो मैथ पढ़ा रही है तो ड्रामा कैसे यूज कर सकते, साइंस पढ़ा रही है तो ड्रामा कैसे यूज कर सकते। दूसरा, हमने पेरेंट्स के एक साथ काम शुरू किया, पेरेंट्स वर्कशॉप एक्शन फॉर कनेक्शन। और एक्शन फॉर कनेक्शन इतना प्यारा प्रोग्राम है जिसमें मम्मी और पापा दोनों अपने बच्चे को कुछ करके दिखाते, ऐसा करके दिखाते हैं जो उनका बच्चा इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि आज डिजिटल के वर्ल्ड में हमने हमारे भीतर की खूबियों को ही बताना खत्म कर दिया। हमारे पास क्वालिटी टाइम्स मैकडॉनल्ड या कैफे हो गया, बल्कि घर के अंदर भी एक वर्कशॉप हो सकती है, घर के अंदर भी संवाद हो सकता है और ड्रामा ये संवाद बहुत बढ़िया से कर सकते हैं।
मैं अभी तक आपको शेक्सपियर राव जान प्रेमचंद की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी तक स्क्रिप्टेड की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं शेक्सपियरियन थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जिंदगी की बात, मैं दिल की बात और बच्चों की बात। अक्सर हम सब उन बच्चों को जानते हैं, पर हम में से कितने लोग बच्चों के साथ कोई प्रोसेस को लेकर काम कर। मेरी खुद के फील्ड में बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो थिएटर इन एजुकेशन में काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ा, मुझे ये ढूंढना, ये केवल एक कैप नहीं है बल्कि इसका नाम है लापोला। क्या नाम? जोर से बोलिए, लापोला। और लापोला जब ये पहनता है तो वो खाचा रहा फोको चाचा फोको चा फो फो खाता खाता होता होरे फोको 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 चाचा फोको चा चाचा चोको चोको खाचा रहा फोको चोको चोको चाचा चोको 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 थेरेपी भी बोल सकते हैं। ये डिसेबल बच्चों के साथ भी काम करता है और एबल बच्चों के साथ भी काम करता है, और जो डिफरेंटली एबल हैं उनके साथ भी काम करता है। ये कैप पेरेंट्स के साथ भी काम करती है और टीचर्स के साथ भी काम करती है। तो लापोला टाइम इंडिया हमने बनाया है, श्रुति ने उसमें घूसा मारा कि बेटा तुम अहमदाबाद में कुछ करो, और चिराग मोदी एक नया नाम है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, वो थिएटर कर रहे हैं यहाँ। उनसे उनके साथ मुझे मदद मिलती है कि हम टीआई के लिए लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पीटर कब तक करते रहे, तो अब हम लोगों को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं ताकि कई सारे होम्स में बहुत सारे लापोला जा रहे और बच्चों के साथ एक प्रोसेस शुरू किया जाए, और जिस बच्चे के बारे में आप सब सोचते हैं उस बच्चे तक हम इस काम को ले जाएं।